हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पावर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, FCI मेंस 2019 की परीक्षा अब आपकी काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए GK और करंट अफेयर्स की आज हमारी क्लासेस 7th हैं। 6 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं सभी वीडियोज़ में। इस वीडियो में भी हम GK और करंट अफेयर्स के मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ई बुक्स लॉन्च की गई हैं, जो कि कंप्यूटर और अकाउंट्स की लॉन्च की गई हैं। कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। हिंदी में 1000 प्लस MCQs हैं और 2000 प्लस MCQs हैं इंग्लिश की ईबुक में। और अकाउंट्स में भी चैप्टर वाइज अलग अलग सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर की गई हैं, और हिंदी इंग्लिश में भी सेपरेटली चैप्टर भी कवर किए गए हैं। तो आप इन सभी ईबुक्स को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और इनसे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, नेम द न्यू मिनिस्ट्री विच इज़ फॉर्म्ड बाय मर्जिंग मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। यानी कि आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि न्यू मिनिस्ट्री बनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को मर्ज करके। यानी कि जो न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है उसको आपको बताना है कि कौन सी नई मिनिस्ट्री है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यानी कि अभी 2019 में ही हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं वह हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कि हमारी देश में न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, इसके बने हैं मिनिस्टर। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, और ये पहली बार बनाई गई है हमारे देश में, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्वॉन इन एज द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 31 मई 2019। यानी कि 31 मई 2019 को हमारे देश की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमन। यानी कि निर्मला सीतारमन है वह जो कि पहली हमारे देश की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। अगर आगे बात करें तो 57 काउंसिल्स और 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी इनके साथ ओथ ली, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और 9 अदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ने भी सभी ने चार्ज एक साथ लिया, और 24 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ने भी सभी इन लोगों ने चार्ज लिया है जो कि बने हैं मिनिस्टर। और ये न्यू कैबिनेट बनाई गई है जो कि 2019 में हमारी न्यू गवर्नमेंट बनी है। और इसी के साथ जो निर्मला सीतारमण हमारी पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, अब वे बन गई हैं न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, और ये पहली ऐसी हैं जो पूरी तरह से फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी है हमारे देश की। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एज पर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे देश की 2020 की GDP क्या रहने वाली है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके द्वारा हमारे देश की 2020 के लिए GDP ग्रोथ क्या बताई गई है फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 7.1%। तो जो ये FICCI है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा एक आउटलुक प्रेजेंट किया गया था जिसे इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे कहा जाता है। इसके अंडर ये बताया गया था कि जो हमारे देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP है 2020 के लिए तो 7.1% रहेगी, और 2021 के लिए रहने वाली है 7.2%। तो दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 21 में बताई गई है 7.2% और 20 में बताई गई है 7.1%। और इस आउटलुक का नाम भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे जो है वे कौन प्रेजेंट करता है, तो आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया फोरम हेल्ड रिसेंटली। यानी कि रिसेंटली ही सेकेंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मास मीडिया फोरम कहाँ पे हुई, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिश्केक, किर्गिजिस्तान। यानी कि बिश्केक के किर्गिजिस्तान में रिसेंटली हुई है सेकेंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी मास मीडिया फोरम।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग 2019 हेल्ड रिसेंटली। यानी कि अभी तो मैंने आपको बताया कि मास मीडिया फोरम हुई थी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है बिश्केक, किर्गिजिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक। यानी कि दोनों की मीटिंग कहाँ पे हुई है? किर्गिजिस्तान के बिश्केक में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द किड्स राइट इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय किड्स राइट फाउंडेशन। यानी कि जो किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा किड्स राइट इंडेक्स 2019 रिलीज किया गया था, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 117। यानी कि 117 रही है भारत की रैंक किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जो रिलीज किया गया किड्स राइट इंडेक्स। यानी कि किड्स के राइट कितने प्रोटेक्ट करते हैं हम, इसमें हमारी 117वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉट मॉरिसन स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो स्कॉट मॉरिसन है वह ऑस्ट्रेलिया के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30th। यानी कि 30वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, कौन बने हैं? स्कॉट मॉरिसन बने हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, पेरिस फ्रांस, वॉशिंगटन DC या फिर दुबई UAE। तो इसका करेक्ट आंसर है UAE दुबई। यानी कि UAE की सिटी दुबई में लोकेटेड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस के? तो इसका करेक्ट आंसर है एंटोनियो गुतरेट्स। यानी कि एंटोनियो गुतरेट्स हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेजिडेंट कौन है उनका नाम आपको बताना है। प्रफुल्ल पटेल, सुब्राता दत्त या फिर मनवेंद्र सिंह या फिर सुभाष चोपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रफुल्ल पटेल। तो एक इंडियन ही हैं जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ यस बैंक। यानी कि यस बैंक की टैगलाइन क्या है यह आपको बताना है। तो यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। यानी कि एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज है टैगलाइन ऑफ यस बैंक। पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट इज रिसेंटली न्यूज। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट जो कि हाल ही में न्यूज़ में था ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु में लोकेटेड है पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट। हु इज़ द CEO ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस की CEO कौन है ये आपको बताना है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के CEO हैं विभा पदालकर। यानी कि विभा पदालकर हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के CEO। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन फंक्शंस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ये डिपार्टमेंट काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो काम करता है मिनिस्ट्री की वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। यानी कि सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर कौन है उनका नाम आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद डायने। यानी कि मोहम्मद डायने है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? वॉशिंगटन DC US, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, न्यूयॉर्क US या फिर म्यूनिच जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में लोकेटेड है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है ये आपको बताना है। तो जोस ग्राजियानो द सिल्वा हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे FAO कहा जाता है। तो आप इनके डायरेक्टर जनरल का नाम जरूर याद रखिएगा। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है किटेक लिम। यानी कि किटेक लिम है जो कि सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। यानी कि उत्तर प्रदेश में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
खीर गंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि खीर गंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया, यानी कि मलेशिया की करेंसी आपको बतानी है, तो रिंगिट है जो कि मलेशिया की करेंसी है। कलिंगा प्राइज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी कि कलिंगा प्राइज कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, तो ये साइंस से रिलेटेड है, यानी कि साइंस में दिया जाता है कलिंगा प्राइज। सेंट्रल टू यू सिंस 1911 इज़ द टैगलाइन ऑफ विच बैंक, यानी कि सेंट्रल टू यू सिंस 1911 कौन से बैंक की टैगलाइन है, तो ये टैगलाइन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि टैगलाइन से कई बार क्वेश्चन बनते हैं जो कि बैंक्स की टैगलाइन होती हैं, तो टैगलाइन के क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाइएगा। तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911 टैगलाइन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सागरेश्वर। वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो जून 1 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। चाउ इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि छाउ जो है वे कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो ये क्लासिकल डांस है उड़ीसा का, यानी कि उड़ीसा के क्लासिकल डांस को छाउ कहा जाता है। काइगा ऑटोमिक पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट, तो काइगा ऑटोमिक पावर स्टेशन कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये कर्नाटका में स्टेट लोकेटेड है, जो कि कर्नाटका स्टेट है, यहाँ पे काइगा ऑटोमिक पावर स्टेशन लोकेटेड है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है, तो ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर। तो यहीं पे समाप्त होती है हमारी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको डेली इसी तरह की वीडियोस देखनी है। और इसके अलावा हमारी ई बुक्स को परचेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी बुक्स को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड जरूर करें।